अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लैब 9 में पढ़ेंगे ट्रीज। इससे पहले हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी। हमारे पास टू टाइप्स का डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने एरे पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक की बात की, क्यू की बात की। आज हम बात करेंगे ट्रीज की, जो आपके पास एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके पास जो डेटा आने वाला डेटा है वो किस सीक्वेंस में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेरेंट नोड है तो चाइल्ड नोड कितनी होंगी ये हमें नहीं पता। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल ट्रीज, देन हम बात करेंगे बाइनरी ट्रीज की, और इसकी हम ट्रैवर्सिंग की भी बात करेंगे। जनरल ट्रीज में आपके पास क्या होता है, जनरल ट्री इज अ ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव एन अनलिमिटेड आउट डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास मौजूद है एक पेरेंट नोड विच इज 7, और इसकी जो चाइल्ड नोड है वो है 4, 21, 23, 24, 27, अनलिमिटेड आउट डिग्री। आपको नहीं पता कि कितनी लिमिट है इसकी। इसी तरह 21 एक पेरेंट नोड है और इसकी 3 चाइल्ड नोड है 33, 44, 55। 23 की कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, 24 की एक चाइल्ड नोड है 66, और 66 की मजीद एक चाइल्ड नोड है विच इज 3। 27 की 3 चाइल्ड नोड है 7, 8, 9। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन मौजूद है, अ जनरल ट्री इज अ ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव एन अनलिमिटेड आउट डिग्री। ईच नोड मे हैव एज मेनी चिल्ड्रन एज इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई इट्स रिक्वायरमेंट्स। डिपेंड करता है आपके पास प्रॉब्लम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे चाइल्ड नोड मौजूद होंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जो कि सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है मेरे पास। सबसे पहले आपने एक हेडर फाइल ऐड की आईओ स्ट्रीम की, दूसरी आपने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की विच इज़ वेक्टर। वेक्टर किस लिए काम करेगा आपके पास यहाँ पे, इस पर बात करेंगे। आपने सबसे पहले एक नोड यहाँ पर बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया, और उसके अंदर आपने एक पार्ट आपके पास होता है रेफरेंस और दूसरा पार्ट आपके पास होता है डेटा। अगर मैंने ये इंप्लीमेंट किया है लिंक लिस्ट के थ्रू, तो यहाँ पे आपने एक डेटा पार्ट लिया और दूसरा आपने लिया वेक्टर। स्टूडेंट्स हमने वेक्टर इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपके पास चाइल्ड नोड कितनी होंगी, लिहाजा हमने यहाँ पर वेक्टर कंसिडर किया जिसके वेरिएबल का नाम है चाइल्ड। और उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने डेटा पास कर दिया और दूसरा मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बना लिया। नोड डॉट सीपीपी की फाइल बनाई जिसमें हमने अपने पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के जो इनिशियलाइजेशन की उसमें मैंने डेटा पास कर दिया, और डेटा टाइप यहाँ पे मैंने लिखी सबसे पहले कि कौन से किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर हमने डेटा पास कर दिया। डिस्ट्रक्टर मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक है। फिर हमने जनरल ट्री डॉट एच की हेडर फाइल बनाई और उसके अंदर मैंने डॉट नोड डॉट एच की फाइल इंक्लूड करी। यहाँ पे मैंने जो जनरल ट्री मैंने क्लास बनाई उसके अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाया जो कि दोनों ब्लैंक हैं। फिर हमने एक इंसर्ट नोड का फंक्शन बनाया और उसमें एक वेरिएबल पास किया डेटा के नाम से, जिसके थ्रू हम इंसर्ट नोड के फंक्शन के थ्रू हम डेटा इंसर्टिंग का काम करेंगे। देन हमने एक और फंक्शन बनाया लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, जो कि ट्रैवर्सिंग का काम करेगा, और उसमें मैंने यहाँ पे रूट नोड का वेरिएबल पास कर दिया इस वक्त। इसके बाद मेरे पास जनरल ट्री डॉट सी पी पी की फाइल है जिसमें हमने अपने पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, जो कि दोनों ब्लैंक हैं। देन हमने यहाँ पे एक जनरल ट्री की जो क्लास बनाई थी उसका जो फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया और उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, जिसमें हमने एक टेम्प नोड बनाई जिसकी टाइप नोड है, जो कि स्ट्रक्चर है मेरे पास, और उसमें मैंने एक डेटा पास करवाया जो कि मुझे इंसर्ट करना होगा, और रिटर्न करवा दिया उसी को मैंने जो मैंने डेटा इंसर्ट किया है। इसके बाद इस फंक्शन की बाद में करेंगे ट्रैवर्सिंग की। पहले हम ड्राइवर डॉट सी पी पी की कोड में जाएंगे और चेक करेंगे किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले आपने अपने पास जो क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, देन आपने रूट नोड का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ, ये आपके पास रूट है। रूट पे आपने इंसर्ट किया 7 बी डॉट इंसर्ट, आपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इंसर्ट नोड के फंक्शन को कॉल किया और 7 यहाँ प्लेस हो गया आगे। देन आपने रूट नोड के चाइल्ड पे हमने वहाँ पे ऊपर आपके पास एक इस्तेमाल किया था
हेडर फाइल क्यू के नाम से ऐड की थी, उसका हमने डिफॉल्ट फंक्शन इस्तेमाल किया पुश बैक का। पुश बैक के थ्रू आपने इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया और रूट के चाइल्ड पे 21 इंसर्ट कर दिया। ये रूट है, रूट का चाइल्ड पे आपने 21 इंसर्ट किया, देन आपने रूट के चाइल्ड पे आपने 23, 25 और 27 इंसर्ट किया। देन स्टूडेंट्स मैं इस लाइन पर आऊँ तो आपका रूट के चाइल्ड के ज़ीरो के चाइल्ड पे मैंने 33, ये मेरे पास रूट था, रूट का चाइल्ड ये था यानी कि ज़ीरो चाइल्ड, और इस पे मैंने इंसर्ट किया 33। इसी तरह रूट के चाइल्ड के ज़ीरो पे आपने 44 इंसर्ट कर दिया, ये आपने रूट का चाइल्ड लिया, ज़ीरो था, ज़ीरो के आपने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया वो था 44। इसी तरह से आपने बाकी तमाम एलिमेंट्स इन तमाम एंड फंक्शंस के थ्रू, पुश बैक के फंक्शन के थ्रू इंसर्ट कर दिए। अब बात करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का फंक्शन किस तरह से काम करता है, सबसे पहले आपने ये चेक किया कि अगर आपके पास रूट नल के बराबर है तो आप कह देंगे रिटर्न, यानी कि आप कहेंगे आपके पास कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है ट्री में। अगर मौजूद है तो क्या होगा, तो आपके पास मैंने क्यू की हेडर फाइल ऐड की थी, वो कॉल किया आपने और आपने क्यू एक क्यू ब्लैंक क्यू जनरेट हो गई और आपने उस क्यू में पुश कर दिया रूट, यानी कि पहला एलिमेंट 7 कि मैंने एक क्यू बना ली यहाँ पे। स्टूडेंट से मैंने एक क्यू बनाई, मैं इसका नाम क्यू ही रख देती हूँ और मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट, पहला एलिमेंट इंसर्ट किया रूट का विच इज 7। तो मैंने 7 इंसर्ट कर दिया तो आपके पास यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ, उसने कहा कि अगर आपके पास क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, 7 मेरे पास मौजूद है, तो आप क्या करें कि क्यू का जो भी साइज़ है वो एन में रखते हैं। ठीक है, एन का मेरे पास इस वक्त एन मौजूद है, एन मेरे पास हो गया 1 क्योंकि मेरे पास क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट था। उसके बाद आपके पास क्या है, कहता है कि अगर आपके पास n इज़ ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 इज़ ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली आप अंदर आए, कंट्रोल आपका अंदर आया और अंदर आने के बाद पहला आपके पास जो लाइन मौजूद है पहली आपके पास जो पहली लाइन मौजूद है इसमें आपके पास क्या हुआ कि आप P के अंदर आपके पास जो आपने ट्रैवर्सिंग की थी नोड के P में आपके पास असाइन हो गया Q का फ्रंट और Q का फ्रंट था 7, 7 आपके पास P के अंदर आ गया और आपके पास यहाँ पे पॉप हो गया Q, Q आपके पास पॉप हो गया और आपके पास P के अंदर आपने जो डेटा स्टोर किया था 7 वो आपके पास प्रिंट हो गया। यानी इस तरह से लेवल ऑफ और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर आपके पास यहाँ से सेवन से क्यू रिमूव हो गया, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से 7 आपके पास पॉप हो गया इस क्यू से, यहाँ से आपके पास 7 पॉप हो गया, जो आपने यहाँ पे 7 पुश किया था ये पॉप हो गया, यहाँ से ब्लैंक हो गया ये और यहाँ पे 7 आपके पास प्रिंट हो गया। इसी तरह से आपके पास आगे चलते हैं तो कोड में क्या मौजूद है देखते हैं। देन आपके पास लूप चला ज़ीरो से कहाँ तक, पी के चाइल्ड नोड तक, जहाँ तक चाइल्ड डॉट साइज है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आई ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और पी आपके पास क्या मौजूद था इस वक्त, पी आपके पास इस वक्त मौजूद था 7, 7 के चाइल्ड नोड तक आपके पास चलेगा। इसका मतलब ये हुआ चाइल्ड डॉट साइज पी के बात करूँ तो पी मेरे पास है 7 और 7 की जो चाइल्ड नोड है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास 21, 23, 25, 27 और उसने क्यू में पुश कर दिया पी के चाइल्ड के तमाम एलिमेंट्स। यानी अब मेरे पास स्टूडेंट्स क्यू में क्या मौजूद होगा, क्यू में क्या पुश होगा, 21, 23, 25 और 27, ये तमाम एलिमेंट उसने ले जाके क्यू के जो चाइल्ड पी का जो चाइल्ड नोड थी उसका जो भी साइज था वो था 4, यानी 0 से 4 तक लूप चला और उसने तमाम एलिमेंट्स को पुश कर दिया क्यू में। एन माइनस माइनस हो गया, यानी कि जब ये लूप से बाहर आया तो उसने एन को कर दिया 0 और तमाम एलिमेंट्स जो आपके पास मौजूद थे वो 7 इस वक्त मेरे पास लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर पॉप होके प्रिंट हो गया है। आप वापस आ जाते हैं लूप पे, फंक्शन पे आप ऊपर आए और आपने चेक किया कि क्या नोड जो है वो ब्लैंक तो नहीं है, तो क्यू के अंदर आपने पुश कर दिया रूट को, तो रूट आपके पास इस वक्त है 21, 21 को आपने पुश किया
और 21 आपके पास यहाँ मौजूद था, और आपने सबसे पहले चेक किया कि क्यू एम टी तो नहीं है, नहीं आपके पास क्यू एम टी नहीं है इस वक्त, और उसके अंदर चार एलिमेंट्स मौजूद हैं। एन आपके पास क्यू का साइज हो गया, यानी अब आपके पास एन जो अपडेटेड एन है वो हो गया 4, और उसने चेक किया 4 is greater than 0, यस नोट आपके पास यहाँ मौजूद है। पी के अंदर क्यू का फ्रंट आपके पास आ गया, यानी कि 21 आपके पास इस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर 21 आ गया, और क्यू में से आपके पास पॉप हो गया, जो आपके पास एलिमेंट था वो था 21, और उसके बाद पी का जो डेटा था वो प्रिंट हो गया। इसी तरह से मजीद हम आगे बढ़े तो आपके पास जो 21 के चाइल्ड हैं उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक वो तमाम आपके पास एलिमेंट्स पुश नहीं हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आपके पास अब जो प्रिंट होगा डेटा 27 के बाद नेक्स्ट 33, 44, 55, ये तमाम पुश होंगे। इसी तरह एक एक करके पॉप होंगे, और पॉप होने के बाद आपके पास प्रिंट होगा, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह से काम करता है आपके पास जनरल ट्री। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बाइनरी ट्री किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे बाइनरी ट्री के अंदर किस तरह से बाइनरी ट्री को डिफाइन करते हैं, बाइनरी ट्री आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि आपके पास या तो ब्लैंक हो सकता है, यानी ऐसा हो कि आपके पास ट्री के अंदर कोई भी नोड मौजूद ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके पास सिर्फ एक नोड हो राइट, या फिर आपके पास नोड हो लेफ्ट, या फिर आपके पास उसके अंदर दो नोड्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ मौजूद है एक ही दो नोड्स हैं, चाइल्ड नोड ए और सी, बी और सी। इसी तरह बी के सिर्फ एक नोड है विच इज डी, सी के सिर्फ दो नोड्स हैं ई और एफ, और ई की एक नोड है जी, एफ की दो नोड्स हैं एच और आई, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। स्टूडेंट बाइनरी ट्री और जनरल ट्री में ये डिफरेंस है कि जनरल ट्री में आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी ट्री के अंदर आपके पास बस एक चाइल्ड हो सकता है या आपके पास दो चाइल्ड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक डेटा पार्ट है, देन आपके पास एक नोड होगी जो कि लेफ्ट नोड का एड्रेस होगा और राइट नोड का एड्रेस होगा, क्योंकि हमारे पास दो चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देन आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें डेटा पास कर दिया, और यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर बना लिया। फिर आपने नोड डॉट सी पी पी की फाइल बनाई और उसके अंदर आपने इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर को, लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट इनिशियली नल है, और पहला जो भी डेटा आपके पास पास पार्ट होगा वो आपने डेटा वेरिएबल पास कर दिया। देन आपने बाइनरी ट्री डॉट एच हेडर फाइल बनाई और आपने इसी क्लास की बाइनरी ट्री की क्लास के आपने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाया, एक फंक्शन बनाया इंसर्ट नोड के नाम से जिसमें आप डेटा इंसर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। देन आपने तीन यहाँ पे फंक्शंस बनाए, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, तीनों में आपने रूट नोड का एड्रेस पास कर दिया। फिर आपने बाइनरी ट्री डॉट सी पी की फाइल बनाई और उसके अंदर आपने दोनों अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, और वो इनिशियली आपके पास यहाँ पर ब्लैंक है, आप चाहें तो ये नहीं बनाएं। देन आपने इंसर्ट नोड का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया और अपने टेम्प नोड असाइन की, और उसके अंदर आपने डेटा पास किया जो आपको इंसर्ट करना था और रिटर्न करा दिया टेम्प, यानी कि जो भी डेटा इंसर्ट करवाया था वो आपके पास रिटर्न हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से इंसर्शन किया। ड्राइवर डॉट सी पी की फाइल मैंने ली, क्लास अपने बनाए थे बाइनरी ट्री की, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और रूट नोड पे रूट के नाम से जो आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, जो पॉइंटर लिया है, उस पे आपने पहला डेटा इंसर्ट कर दिया विच इज 7। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, 7 आपके पास इंसर्ट हुआ। देन रूट के लेफ्ट, ये रूट था, रूट का लेफ्ट आपके पास 9 इंसर्ट हुआ उसके लेफ्ट पर, और राइट पर आपका 10 इंसर्ट हुआ। देन रूट का राइट जो है आपके पास वो क्या है 10, उस पे आपने इंसर्ट कर दिया, रूट का जो राइट है उस पर आपने 10 इंसर्ट कर दिया। देन रूट के लेफ्ट आपके पास 9 था, उसका लेफ्ट पे आपने 4 इंसर्ट किया, यहाँ आपने 4 इंसर्ट कर दिया और बाकी सब नल है। देन आपके पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे।
एक एक करके देखेंगे कि ये सब किस तरह से काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मेरे पास है इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग आपके पास किस तरह से काम करेगा, आप सबसे पहले से पास करेंगे रूट नोड जो कि आपके पास होगी 10। चेक करेगा अगर रूट नल नहीं है तो डेफिनेटली एक नोट आपने 10 पास करी जो कि आपके पास यहाँ मौजूद थी, तो डेफिनेटली ये नल नहीं है। ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास रूट का लेफ्ट चेक करेगा कि रूट का कोई लेफ्ट है। अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 का लेफ्ट इस वक्त है 20। फंक्शन यही फंक्शन आपके पास दोबारा कॉल होगा और अब चेक करेगा 20 का लेफ्ट तो कोई नहीं है। अगर वो उसका लेफ्ट होगा तो पहले उसको प्रिंट करेगा, तो 20 का लेफ्ट कोई नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। देन दोबारा कॉल होगा फंक्शन और चेक करेगा रूट का राइट, तो रूट 20 है इस वक्त, 20 का राइट कोई नहीं है मेरे पास, तो वापस आपके पास आ जाएगा 10 में और 10 आपके पास रूट का जो भी डेटा वो प्रिंट हो जाएगा विच इज 10। 10 प्रिंट हुआ, देन आपके पास यहाँ पे जब दोबारा नीचे आएगा रूट का राइट चेक करेगा तो रूट का राइट होगा 30 और आपके पास जब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा तो 30 का राइट कोई नहीं होगा क्योंकि 30 का मजीद कोई चाइल्ड एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास 30 प्रिंट हो जाएगा। यूँ आपके पास 20, 10 और 30 प्रिंट होगा। फिर अब आने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग की, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के अंदर आपके पास पहले रूट प्रिंट होगा सिंपल, आपने बस यहाँ पे रूट कॉल हुआ, रूट का जो भी डेटा था 10 वो प्रिंट हो गया। फिर प्री ऑर्डर का आपके पास रूट का लेफ्ट प्रिंट हुआ विच इज 20, देन आपके पास रूट का राइट प्रिंट हुआ विच इज 30। देन पोस्ट ऑर्डर है, सबसे पहले इसने क्या किया, रूट का जो लेफ्ट था, रूट आपके पास था 10, रूट का लेफ्ट प्रिंट हुआ, लेफ्ट आपके पास था 20, फिर रूट का राइट आपके पास कॉल हुआ, राइट प्रिंट हुआ विच इज 30, देन आपके पास रूट प्रिंट हो गया विच इज 10। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हमने जनरल ट्री और बाइनरी ट्री की बात की। तीनों में आपने ट्रैवर्सिंग चेक की कि ट्रैवर्सिंग किस तरह से करते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग पे काम किया, सबकी इम्प्लीमेंटेशन भी C++ में करके देखी। आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। हाँ, दो एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्री कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक बाइनरी ऑपरेटर्स, योर प्रोग्राम शुड प्रिंट द रिजल्टेंट वैल्यू आफ्टर इवैल्यूएशन एज आउटपुट। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।